सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ एसर एस्पायर 7 वर्सेस लेनोवो लीजन 5। और दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। और वैसे प्राइस की बात करें तो एस्पायर 7 का करंट प्राइस चल रहा है 56,990 और वहीं लीजन 5 का करंट प्राइस चल रहा है 64,990। अब एक चीज़ है कि पता नहीं ये लीजन को लेकर अमेजोन वालों को क्या नशे हो जाते हैं कि कभी अचानक से इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं और कभी सही प्राइस पर ले आते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप ज़्यादातर टाइम देखोगे ना तो आपको ये लीजन 5 अराउंड 60 से लेकर 62,000 के बीच में मिल जाएगा और वही सही प्राइस है इसका। पर पता नहीं अमेजोन वाले क्यों कभी इसको 64,990 कर देते हैं और कभी इसको 66,799 भी कर देते हैं। तो खैर ये तो अमेजोन वाले के नशे हैं। लेकिन मैंने एक ट्रक में नींबू भरकर अमेजोन के हेडक्वार्टर्स पे भेज दिया है। अब जैसे ही वो नींबू उनके पास पहुंचेंगे उनका नशा उतरेगा और फिर लोग प्राइस सही कर लेंगे और तभी आप इस लैपटॉप को लेना। 62,000 के ऊपर इस लीजन 5 को बिल्कुल मत लेना। तो खैर चलो अभी ये सब बातें होती रहेगी, अभी अपन कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको वही 15.6 इंच का एक फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर वाला डिस्प्ले मिलता है और दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% एनटीएससी और 62.5% एसआरजीबी मिलता है। अब यहाँ पर जो दोनों ही लैपटॉप्स की डिस्प्ले क्वालिटी है ना वो आपको बिल्कुल सेम मिलती है और केवल इन दोनों ही लैपटॉप्स में नहीं, आपको अप टू 80,000 तक सभी गेमिंग लैपटॉप्स में यही सेम डिस्प्ले मिलेगा। वहीं रिफ्रेश रेट की बात करें तो एस्पायर 7 में 60Hz का रिफ्रेश रेट है और लीजन 5 में 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। अब ये जो 60Hz का रिफ्रेश रेट है ये स्टोरी गेम्स तक में तो ठीक है क्योंकि जितने भी AAA टाइटल्स हैं वो GTX 1650 में 60fps तक ही निकाल सकते हैं, लेकिन जितने भी ईस्पोर्ट्स गेम्स हैं जैसे कि वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरज़ोन, तो उनमें जो है आपको अबव 60fps मिल जाते हैं GTX 1650 में। तो उन गेम्स के हिसाब से देखें तो फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट बेटर है क्योंकि एक तो 120Hz में आपको खेलने में मजा आएगा और दूसरा आपके पास एक थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट में एस्पायर 7 थोड़ा पीछे रह जाता है। साथ में बेजल्स की भी बात करें तो जो एस्पायर 7 में आपको बेजल्स मिलते हैं ना वो थोड़े से थिक है एज कम्पेयर टू लीजन 5। वहीं लीजन 5 में आपको बहुत ही थिन बेजल्स मिलते हैं तो उससे आपको जो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस और डिस्प्ले का लुक आता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले वाले राउंड का विनर है लीजन 5। अब बिट क्वालिटी, डायमेंशंस एंड वेट की बात करें तो एस्पायर 7 में आपको जो टॉप लिड मिलता है वो मेटल का मिलता है और साथ में जो आपके लैपटॉप का इंटीरियर है यानी कि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के आसपास वाली जगह, तो वहाँ पर आपको गुड क्वालिटी प्लास्टिक मिलता है। वहीं लीजन में आपको जो टॉप लिड मिलता है वो वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक का मिलता है और वहीं सेम क्वालिटी का प्लास्टिक आपको लैपटॉप के इंटीरियर पे भी मिलता है। वहीं फ्लेक्स की बात करें तो एस्पायर 7 के टॉप लिड में आपको मिनिमल सा फ्लेक्स मिलता है और बिल्कुल मिनिमल सा फ्लेक्स आपको कीबोर्ड में भी मिलता है और लीजन 5 में भी वही सेम है, मिनिमल सा टॉप लेड एंड कीबोर्ड फ्लेक्स है। तो जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है एस्पायर 7 में वो आपको अच्छी मिलती है लेकिन लीजन 5 की बिल्ड क्वालिटी आपको स्लाइटली बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू एस्पायर 7। और लीजन 5 की बिल्ड क्वालिटी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने भी काफ़ी सारे चर्चे सुने होंगे लीजन 5 की बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड। तो लीजन 5 में ना आपको बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो ये बिल्ड क्वालिटी वाला राउंड जाता है लीजन 5 को। साथ में डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी और वेट जो है वो एस्पायर 7 का 2.1 केजीज का है और लीजन 5 का 2.3 केजीज का है। अब ये जो एस्पायर 7 है ये लीजन 5 से थोड़ा थिन एंड लाइट वेट है, वहीं लीजन 5 आपको थोड़ा सा थिक एंड हैवी मिलता है। तो इस कारण से जो एस्पायर 7 है वो उसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये पोर्टेबिलिटी वाला राउंड जाता है एस्पायर 7 को। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर एस्पायर 7 में आपको सीपीयू मिलता है i5-1240p। ये 12 कोर्स प्लस 16 थ्रेड्स वाला सीपीयू है जिसमें से कि आपको 4 परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं। वहीं लीजन 5 में आपको मिलता है राइजन 5 4600H, ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला सीपीयू है। तो सीपीयू परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ पर एस्पायर 7 में बेटर मिलेगी क्योंकि एस्पायर 7 का सीपीयू बेटर है क्योंकि इस i5-1240p में ज़्यादा कोर्स है एज कम्पेयर टू राइजन 5 4600H। तो यहाँ पर ज़्यादा कोर्स की वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एस्पायर 7 में सीपीयू परफॉर्मेंस। साथ में दोनों ही लैपटॉप्स में आपको GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है जिसमें से कि एस्पायर 7 में आपको 45W की TGP मिलती है और लीजन 5 में आपको 50W की TGP मिलती है। तो यहाँ पर GPU TGP लीजन 5 की ज़्यादा है तो इस कारण से गेमिंग परफॉर्मेंस आपको लीजन 5 बेटर देगा। साथ में दोनों ही लैपटॉप्स में 8GB की DDR4 3200MHz वाली रैम है और स्टोरेज के लिए एस्पायर 7 में आपको 512GB की SSD मिलती है और वहीं लीजन 5 में आपको 1TB की SSD प्लस 256GB की SSD मिलती है। और लीजन 5 का एक और वेरिएंट है जिसमें आपको ओनली 512GB की SSD मिलेगी। तो यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शंस लीजन 5 में बेटर है। साथ में आपको लीजन 5 में मक स्विच भी मिलता है जो कि आपको एस्पायर 7 में नहीं मिलता है और मक स्विच बजट सेगमेंट में केवल लीजन सीरीज में ही आता है और कोई लैपटॉप आपको मक स्विच नहीं देता है बजट सेगमेंट में।
तो ये लीजन 5 की एक बहुत खास बात है, इसकी वजह से ऑन एवरेज आपको 10 टू 15 FPS ज्यादा मिलेंगे लीजन में एज कम्पेयर टू एस्पायर 7। और अभी आपको स्क्रीन पर कुछ 6-7 गेम्स के FPS भी दिख रहे होंगे, तो उससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि लीजन 5 कितना ज्यादा FPS देगा आपको। तो यहाँ पर CPU परफॉर्मेंस आपको Aspire 7 बेटर मिलेगी, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस आपको Legion 5 में बेटर मिलेगी। अब थर्मल्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें से कि Aspire 7 में आपको 2 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं और Legion 5 में आपको 4 एग्जॉस्ट वेंट्स मिलते हैं। वहीं Aspire 7 बॉटम से और कीज के बीच में से एयर इनटेक करता है और Legion 5 ओनली बॉटम से एयर इनटेक करता है। अब ये जो ओवरऑल थर्मल्स Aspire 7 के वो अच्छे हैं, लेकिन Legion 5 के थर्मल्स यहाँ पर बेस्ट है। जो Legion 5 का कूलिंग सिस्टम है ना, वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है और Legion 5 के जो थर्मल्स है ना, वो आपको बेस्ट मिलते हैं होल लैपटॉप इंडस्ट्री में। और आई एम श्योर कि आपने Legion के थर्मल्स के बारे में भी काफ़ी चर्चे सुने होंगे, तो इसलिए थर्मल्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता है कि Legion 5 के थर्मल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब Legion 5 के जो CPU और GPU है, वो लैपटॉप के अंदर पूरा रेगिस्तान वाला सीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन Legion 5 के थर्मल्स इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर वो उसको रेगिस्तान नहीं बनने देते, पूरा शिमला ही बना के रखते हैं अंदर। तो यहाँ पर ये थर्मल्स वाला राउंड जाता है Legion 5 को। अब अपग्रेड्स की भी बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है और दूसरा एम्प्टी है। और दोनों ही लैपटॉप्स में आप रैम अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। Amazon पर आप Legion 5 में जाकर देखोगे तो वहाँ पर मेंशन है कि रैम आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है, आप 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में Aspire 7 में आपको स्टोरेज के लिए 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है और दूसरा एम्प्टी है। तो अगर आप Aspire 7 में स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 4 TB तक स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। और वैसे ही Acer ने क्लैरिफाई नहीं करा है कि आप कितना अपग्रेड कर सकते हो, पर मुझे लग रहा है कि 4 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 2 TB ऑन ईच स्लॉट। और अगर मैं गलत होऊंगा तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन बताना, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी सारे लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। साथ में Legion में आपको स्टोरेज के लिए 2 SSD स्लॉट्स और 1 SSD स्लॉट मिलता है, और 2 SSD स्लॉट्स में से एक स्लॉट ऑक्यूपाइड है और दूसरा एम्प्टी है, और जो SSD स्लॉट है वो ऑक्यूपाइड है। तो Legion में आपको स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो आपकी SSD आती है पहले से Legion में लगी हुई, आप उसको स्वैप करो और एक हायर कैपेसिटी वाली SSD लगवा दो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपकी SSD है आप उसको स्वैप करो और एक हाई कैपेसिटी वाली SSD लगा दो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप SSD को रिमूव करके एक SSD इंस्टॉल कर दो, क्योंकि जब आप SSD को रिमूव करोगे ना, तभी आपको Legion का सेकेंड SSD स्लॉट का एक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से आप SSD को रिमूव करके सेकेंड SSD Legion में इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आप SSD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो Legion में, तो आप अप टू 2 TB तक स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो, 1 TB ऑन ईच स्लॉट। और वहीं आप SSD के थ्रू अगर अपना स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो आप अप टू 2 TB तक SSD को अपग्रेड कर सकते हो। साथ में अगर आप SSD रिमूव करोगे ना, तो आप Legion की बैटरी को भी अपग्रेड कर सकते हो। मतलब Lenovo ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आप Legion की बैटरी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप अपग्रेड कर पाओगे, क्योंकि क्या है कि ना, जब आप SSD निकाल दोगे ना अपने Legion के लैपटॉप से, तो वहां पर आपको बराबर जगह मिल जाएगी एक 80 Wh की बैटरी इंस्टॉल करने के लिए। तो जो Legion के अदर लैपटॉप वेरिएंट्स में 80 Wh की बैटरी मिलती है ना, अगर आपको वो बैटरी मिल जाए तो आप SSD को रिमूव करके अपने लैपटॉप में 80 Wh की भी बैटरी इंस्टॉल कर सकते हो, और वो बैटरी बराबर से वर्क करेगी। अब कीबोर्ड एंड टचपैड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सेम साइज का टचपैड मिलता है, जिसमें से कि Aspire 7 के टचपैड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन Legion 5 में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। और दोनों ही लैपटॉप के टचपैड में आपको इंटीग्रेटेड लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स मिलते हैं। तो टचपैड के मामले में तो आपको दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में कीबोर्ड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद नंबर पैड, और वहीं दोनों ही लैपटॉप में आपको सिंगल व्हाइट कलर की बैकलेट मिलती है, और दोनों ही लैपटॉप में कोई भी बैकलेट अफेक्ट नहीं है। वहीं Aspire 7 में जो आपको ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो अच्छा मिलेगा, लेकिन Legion 5 में जो आपको ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो बेटर मिलेगा, क्योंकि Legion में आपको Lenovo का 2-Strike कीबोर्ड मिलता है, जिसमें कि जो कीज है ना वो थोड़ी सी कर्व है, और साथ में सॉफ्ट लैंडिंग स्विचेज है, और 1.5 mm का की ट्रेवल डिस्टेंस है। तो ये सब मिलाकर आपको एक बहुत ही अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस देंगे Legion 5 में। तो यहाँ पर ये राउंड जाता है Legion 5 को। अब कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि दोनों ही लैपटॉप्स में आपको बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स मिलते हैं, बस Legion 5 में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट मिलता है। वहीं Aspire 7 के जो 3 USB पोर्ट्स है, उसमें से एक पोर्ट पावर ऑफ चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ऐसा कोई पावर ऑफ चार्जिंग वाला फीचर आपको Legion 5 में नहीं मिलता है। साथ में दोनों ही लैपटॉप्स के टाइप सी पोर्ट से भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, और कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6 मिलता है,
लेकिन Aspire 7 में आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है और वहीं Legion 5 में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको Legion 5 में एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट मिलता है तो ये राउंड जाता है Legion 5 को। अब बैटरी की बात करें तो यहाँ पर Aspire 7 में आपको मिलती है 50 वॉट आवर्स की बैटरी और Legion 5 में आपको मिलती है 60 वॉट आवर्स की बैटरी। तो Aspire 7 में आपको ऑन एवरेज 3 टू 4 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा विद नॉर्मल यूसेज और Legion 5 में आपको अराउंड 4 टू 5 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा ऑन एवरेज विद नॉर्मल यूसेज 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ में Aspire 7 में आपको 135 वॉट्स का पावर अडैप्टर मिलता है और वहीं Legion 5 में आपको 170 वॉट्स का पावर अडैप्टर मिलता है। साथ में Aspire 7 कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको नहीं देता है लेकिन Legion 5 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Legion 5 की बैटरी को आप 50% चार्ज कर सकते हो इन जस्ट 30 मिनट्स। तो यहाँ पर इस बैटरी एंड चार्जिंग वाले राउंड का विनर है Legion 5। तो अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो ना तो इस पार्ट को जरूर देखना और अगर आप अपना लैपटॉप डिसाइड कर चुके हो तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो देखो वैसे तो मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है, आप अभी तक डिसाइड कर चुके होगे कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि अभी तक आप वीडियो देखकर ये चीज़ तो समझ गए होगे कि जो Aspire 7 है वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड गेमिंग लैपटॉप नहीं है। Aspire 7 असल में एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप के बीच का है और Aspire 7 उन लोगों के लिए जिनकी की पहली प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है, उनकी पहली प्रायोरिटी में उनके बाकी काम है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या अपना ऑफिस का काम, और उनकी सेकंड प्रायोरिटी पे गेमिंग है, वो कैजुअली गेमिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो Aspire 7 बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि Aspire 7 यहाँ पर थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप भी है तो इस कारण से Aspire 7 की पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और Aspire 7 एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप से बेटर परफॉर्मेंस देता है तो इस कारण से ये लैपटॉप कैजुअल गेमिंग के लिए भी अच्छा रहता है। तो अगर आप इन लोगों में से हो ना तो फिर आप तो पक्का से Aspire 7 ही लो। और वहीं Legion 5 उन लोगों के लिए जिनकी की पहली प्रायोरिटी गेमिंग है, तो अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो अपनी गेमिंग के लिए, आप एकदम हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो और आपके बाकी सारे काम आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे, तो फिर तो आप Legion 5 लो क्योंकि Legion 5 आपको यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस देता है, उसमें मक्स स्विच भी है तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, साथ में बहुत अच्छे थर्मल्स भी है जो कि गेमिंग लैपटॉप्स में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो फिर उस केस में आप Legion 5 ही लेना। तो उम्मीद है कि अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और अब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि कौन सा लैपटॉप आपको अपने लिए लेना है। तो चलो फिर आज की वीडियो में आप इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।